हेलो फ्रेंड्स, आपको पता है ना, इस साल से न्यू पैटर्न के हिसाब से एमसीक्यू आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं एक और चैप्टर आपके लिए बना के लाया हूँ एमसीक्यू पर, रियल नंबर्स। तो आज हम रियल नंबर्स पर एमसीक्यू देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एक्सपेंशन इज इरेशनल। आपको पता है इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होगा वो इरेशनल। तो देखते हैं पहला पार्ट क्या है। तो फर्स्ट को देखें, ये तो बार है। इट इज 2.2.3.4.5.4.5.4.5.... तो ये तो रिपीटिंग है, इसका मतलब ये इरेशनल नहीं है। तो इरेशनल कौन होते हैं? जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। मगर ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है मगर रिपीटिंग है। अब इसको देखते हैं। अब इसमें देखें तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। अब यहां भी क्या है, 110 और उसके बाद 1100, मतलब 10 बढ़ गई और उसके आगे 10 और बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये रिपीटिंग नहीं है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो इसका मतलब ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। तो ये हुआ इरेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 होता है और कोई प्राइम फैक्टर नहीं होता। तो देखते हैं इन सब के डिनोमिनेटर में क्या क्या है। जरा इसके डिनोमिनेटर को देखते हैं, 17/450। तो 450 को क्या लिख सकते हैं? 450 को लिख सकते हैं 3 × 150, मतलब 3 तो आ गया। तो इसका मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो 3 नीचे आते ही, मतलब नीचे 2 और 5 को छोड़कर कोई भी और अगर प्राइम फैक्टर आता है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होता। तो ये तो टर्मिनेटिंग नहीं है। अब इसको देखते हैं, इसके नीचे क्या है? 360, मतलब 23 के नीचे 360 को मैं 3 × 120 लिख सकता हूँ। यस, इसके नीचे भी 3 आ गया, इसका मतलब ये भी टर्मिनेटिंग नहीं है। तो टर्मिनेटिंग फिर बोल रहा हूँ वो होते हैं जिनके नीचे 2 और 5 हो, बस कोई और नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी 3 आ गया, तो इसका मतलब ये भी टर्मिनेटिंग नहीं है। अब यहाँ देखते हैं, 31 के नीचे 70 को मैं 7 × 10 लिख सकता हूँ। यस, ये भी टर्मिनेटिंग नहीं है क्योंकि नीचे 7 आ गया। अब इसको देखते हैं, 51/300 को 3 × 100 लिख देते हैं। अब इसके नीचे भी 3 आ गया, ओ मगर ये 3 तो ऊपर 51 से कैंसिल हो जाता है और कितना आता है? 17। तो ये हो गया 17/100, मतलब 4×25, मतलब डिनोमिनेटर में आ गया 2² और 5². तो डिनोमिनेटर में 2 और 5 आ गए, कोई और तो नहीं आया। यस, इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्मिनेटिंग हुआ। ठीक है, यस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एचसीएफ ऑफ 240 एंड 160। 240 160 का एचसीएफ निकालना है। इसके पास, अब आपके पास इसके लिए दो मेथड है। एक इक्वली डिविजन लेमा, उसमें क्या करते हैं, 240 को अंदर 160 से डिवाइड। तो किससे गया? ये 1 से गया, 160 कितना बचा? 80। अब 80 को बाहर और 160 को अंदर, और ये किससे गया? 2 से 80 और सॉरी 160। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ हुआ 80। यस, 80 द एचसीएफ। ठीक है, तो दूसरा मेथड कौन सा आपके पास? दूसरा है आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड।
जैसे 240 और 160 को किया हमने 2 से, और ये कितना आया 120, और ये कितना आया 80, इसको किया 2 से कितना आया 60, ये कितना आया 40, और इसको किया 2 से डिवाइड कितना हुआ 30, और कितना हुआ 20, फिर किया 2 से डिवाइड कितना हुआ 15, ये कितना हुआ 10। अब किससे जाता है, अब जाता है दोनों जाते हैं 5 से, ये हो गया 3 और ये हो गया 2। जब कभी भी यहाँ पर ऐसे नंबर बच जाएं जो किसी से डिवाइड नहीं होते, दोनों अलग अलग, दोनों किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो ये जो नंबर होते हैं इन सब का मल्टीप्लाई ही HCF होता है। तो HCF कितना होगा, HCF होगा 2 × 2 × 2 × 5, तो ये कितना हुआ 80, ये हो गया हमारा HCF। तो आपके पास दो मेथड है, किसी भी मेथड से आप जल्दी से करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स आर देयर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120। तो 120 के प्राइम फैक्टर्स करो, जैसे 120 2 से गया 60, फिर 2 से गया 30, फिर 2 से गया 15, फिर 3 से गया 5, बस ठीक है। तो अब ये जितने नंबर बचे यही है प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स में कौन कौन आया, एक तो 2 आया, एक 3 आया, एक 5 आया, तो टोटल ये 3 नंबर हो गए। मतलब 120 इज इक्वल टू 2³ × 3 × 5, ठीक है। अब ये कितने तरह के नंबर हैं, एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है, तो ये कितने हुए 3, ठीक है। अब HCF, नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCF ऑफ x एंड y इज 8, ठीक है। तो HCF 8 दिया हुआ है एंड देयर प्रोडक्ट इज 1280, देन फाइंड LCM ऑफ x एंड y। तो आपको फॉर्मूला मालूम है जिसमें LCM, HCF और दो नंबर्स की प्रोडक्ट होती है, और वो फॉर्मूला है LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू, दो नंबर कौन से हैं x और y, x मल्टीप्लाई y, ठीक है। अब LCM तो आपको निकालना है, LCM मल्टीप्लाई HCF, HCF आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8 इज इक्वल टू x इंटू y का मतलब x y की मल्टीप्लाई, मतलब उनकी प्रोडक्ट, और वो आपको दिए कितनी 1280। तो फिर LCM आप निकालना चाहते हो इज इक्वल टू 1280 डिवाइड बाय 8। अब ये किससे गया, 8 1 जा और 8 6 जा और 0 160 इज द आंसर। तो ये जल्दी से रफ में करके टिक किया करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रैशनल नंबर, ये आपको एक रैशनल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। कहते हैं बताओ ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, या फिर कुछ नहीं। तो ये तो हमें देखना पड़ेगा, हमें पता है अगर किसी रैशनल नंबर के नीचे 2 और 5 दोनों आते हैं और कुछ भी नहीं आता तो वो होता है टर्मिनेटिंग। मगर यहाँ पर रैशनल नंबर में 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है, तो जरा देखो जो नंबर फालतू आ रहा है क्या वो ऊपर वाले से कटता है क्या, देखते हैं। और ये है 441 डिवाइड बाय, और ये कितना नंबर है, इट इज 49, यही तो फालतू है, 2 और 5 को छोड़ के ये पूरा नंबर फालतू है और ये कटना चाहिए। अगर ये कट गया तो टर्मिनेटिंग, और अगर वो नहीं कटा तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखते हैं, तो ये 49 441 से कैंसिल हो जाता है, अब ये किससे जाएगा 9 से, ठीक है। जब इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 441 आ गया, तो ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब नीचे 7⁻² नहीं बचा, तो फिर आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ 9/2⁻² और 5⁻². नीचे 2 और 5 की कोई भी पावर हो, मगर है तो 2 और 5 ना, अगर नीचे 2 और 5 हो तो फिर आंसर क्या होता है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवन क्वेश्चन,
The decimal expansion of rational number this will terminate. Oh, मतलब ये बताना है कि जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो वो डेसिमल के कितने प्लेसेस के बाद आंसर बचेगा. जैसे अब आप इस बात को समझो, जैसे 2235 डिवाइड बाय 10 आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 23.5. मतलब कि टर्मिनेट कितने प्लेसेस के बाद हुआ, डेसिमल के वन प्लेस के बाद, डेसिमल के वन प्लेस के बाद आंसर टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया. और देखते हैं 4578 डिवाइड बाय 100. अब इसको देखें तो अगर इसका आंसर लिखेंगे तो क्या आएगा, आप सोचो नीचे कितना है 100, तो आप दो के बाद डेसिमल लगाने वाले हो ना, ऊपर क्या किया था आपने, वन के बाद डेसिमल लगाया, तो क्यों, क्योंकि नीचे 10 था, अब नीचे 100 है, तो दो के बाद डेसिमल लगाओगे 4578. इसी तरह से 25687 के नीचे अगर 1000 आ गए तो आप कितने प्लेस के बाद डेसिमल लगाओगे, 1 2 3 प्लेसेस के बाद, क्योंकि 3 जीरो हैं, तो आंसर क्या होगा 25.687. इसका मतलब ये नंबर 3 डेसिमल प्लेसेस पर टर्मिनेट होगा, और ये नंबर 2 डेसिमल प्लेस पर, और ये नंबर 1 डेसिमल प्लेस पर. अब देखना है कि ये नंबर कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा. अब इसके लिए क्या करें देखते हैं. ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा हम क्या करते हैं, नीचे जो 2 और 5 होते हैं उनकी पावर सेम बनाते हैं, दोनों की पावर सेम बनानी है. तो 2 की पावर कितनी है 3, 5 की पावर कितनी है 2. ऐसा करते हैं इसको 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो करके क्या मिला. अब ऊपर तो इसको मल्टीप्लाई करो, चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे मल्टीप्लाई ना करो, मगर नीचे देखो क्या बचा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3. अब नीचे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 ये हो गया, इट इज इसको मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, 7 × 27 5 × 27 = 135 डिवाइड बाय ये 2 और 5 को एक रखो और उसके ऊपर पावर 3 ले जाओ, तो ये कितना हो गया 2 × 5 के ऊपर 3, मतलब 135 के नीचे 10, 2 × 5 = 10 की पावर 3, मतलब 1000. तो कितने प्लेस के बाद डेसिमल टर्मिनेट होगा, ये एक्सपेंशन कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, 3 प्लेसेस के बाद, क्योंकि नीचे 1000 है, तो 1 2 3. तो आंसर जो भी होगा मगर टर्मिनेट तो 3 प्लेसेस के बाद होगा, वो यही तो पूछ रहा है कि कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, तो हम कहेंगे 3 प्लेसेस के बाद. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं जिनके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में 2 और 5 तो होते ही हैं, मगर कुछ और नंबर भी होता है. तो देखते हैं कितने ऐसे हैं नंबर्स जिनमें डिनोमिनेटर में 2 और 5 तो है ही, मगर उसके साथ कोई और भी नंबर है. जैसे अब ये है 51 के नीचे 1500, इसको लिखते थे हैं 1500 को 3 × 500. देखो नीचे 3 आ गया, अब 3 ऊपर के नंबर से कटता है क्या, यस कटता है, ये हो गया 17/500. तो इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 ही मिलेंगे, 500 के फैक्टर जब बनाएंगे तो उसमें 2 और 5 ही मिलेंगे, बस कोई और नंबर नहीं मिलेगा. इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, हमें क्या देखना है नॉन टर्मिनेटिंग. अब इसको देखते हैं, इसको देखें तो ये जो 7 फालतू है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है क्योंकि इसमें 7 फालतू है, मगर ये 7 कटता तो नहीं, देखना पड़ेगा. 7 को काटते हैं इसके साथ तो ये कट जाता है, 79 जा 63 और 78 जा 56, ये 7 तो कट गया, इसका मतलब नीचे क्या बचा 2 और 5, इसका मतलब ये तो टर्मिनेटिंग हो गया, तो हमें ये भी नहीं चाहिए,
हमें तो चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसको देखते हैं, 125 के नीचे 600, इसे मैं 3 × 200 लिखता हूँ। अब फिर 3 आ गया, ये 3 ऊपर से कटता है क्या? ये नहीं कटता, तो यहाँ 3 रह जाएगा। इसका मतलब ये 3 रह जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। यस, ये नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग। आगे वाले को देखें तो वो है 13/400, 400 में सिर्फ 2 और 5 होंगे, इसका मतलब ये भी टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। HCF ऑफ स्मॉलेस्ट 2-डिजिट इवन नंबर। अब 2-डिजिट इवन नंबर सबसे छोटा कौन सा हुआ? वो हुआ 10। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। तो अब 10 और 2 का आपने निकालना है HCF। तो HCF क्या होगा? सिर्फ 2। कैसे पता लगा? देखो, 10 को 2 से डिवाइड किया, 5 से गया, रिमाइंडर 0, मतलब HCF 2। इक्वल डिवीजन लेमा से फटाफट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट 10th। ये आपको एक कॉम्पोजिट नंबर दिया हुआ है। अब आपको प्रूव नहीं करना कि ये कॉम्पोजिट नंबर है, प्रूव करो, नहीं, आपको कहा गया कि ये कॉम्पोजिट नंबर है। अब आपको कारण बताना है क्यों। इट हैज 1 फैक्टर, इट हैज 2 फैक्टर, इट हैज एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, या नन ऑफ दिस। आप बताओ कॉम्पोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मतलब 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, वो 2 वाले नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, इट हैज एटलीस्ट 3 फैक्टर। एटलीस्ट 3 का मतलब हो गया कम से कम 3 होने चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं। ये सही है, क्योंकि इसमें कहा गया इट हैज 2 फैक्टर, तो 2 फैक्टर वाला कॉम्पोजिट नंबर नहीं होता, 2 से ज्यादा वाला होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स आर डिसेंडेंट्स। ये एलसीएम दिया हुआ है, ये एचसीएफ दिया हुआ है, और फिर इनमें से एक नंबर 36 है और फिर दूसरा नंबर निकालना है। अब आपको फॉर्मूला अच्छी तरह पता होना चाहिए कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर्स, मतलब ए एक नंबर मल्टीप्लाई बी दूसरा नंबर। अब एलसीएम कितना है? 144, और एचसीएफ कितना है? 12, और एक नंबर क्या दिया होगा? 36, और दूसरा नंबर बी हमको निकालना है। अब 36 को नीचे ले जाओ, इट इज 144 × 12 डिवाइड बाय 36 इज इक्वल टू बी। अब 36 को 144 से काटो, और ये सीधा कटा 4 से, और 4 × 12 48, 48 इज द सेकेंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है HCF। देखो क्वेश्चन लिखने का स्टाइल है, HCF ब्रैकेट में इन नंबर दिए हैं, इसका मतलब ये 2 नंबर का HCF 4 है, मतलब समझो। और फिर कहता है LCM इन्हीं 2 नंबर्स का निकालो, तो बात फिर 2 नंबर की हो रही है, और LCM की हो रही है, और HCF की हो रही है। हम फिर लिखेंगे LCM मतलब मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू 2 नंबर्स ए मल्टीप्लाई बी, यही एक फॉर्मूला। इसमें LCM आपको निकालना है, तो LCM लिखा जाएगा मल्टीप्लाई HCF हमें दिया हुआ है कितना, 4 इज इक्वल टू ए इंटू बी, का मतलब है 2 नंबर कौन से हैं, और नंबर है 148 मल्टीप्लाई 780। और फिर LCM कितना होगा, अब 4 को नीचे ले आओ, 148 मल्टीप्लाई 780 डिवाइड बाय 4। अब ये 4 इससे कटा, 4 3 डा 12 और फिर 4 7 डा 28। अब 37 इंटू 780 ये क्या होता है, ये होता है 28860। नाउ दिस इज द थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर। ग्रेटेस्ट इंटीजर विच डिवाइड्स 24 and 60। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके सीखने के लिए, एक छोटी सी बात बताओ,
अगर मैं आपसे पूछूं 4 एंड 6 का HCF क्या होगा, तो आप क्या आंसर दोगे? आपका आंसर होगा 4 और 6 का HCF होता है 2, तो 4 और 6 का HCF है 2, तो HCF हो गया 2, ठीक है। दूसरी बात फिर आपसे पूछता हूँ, 4 और 6 का LCM कितना होगा? 4 और 6 का अगर आप LCM निकालोगे, तो LCM होगा 12, ठीक है, LCM होता है 12, आप करके देख लो। अच्छा, अब 4 और 6 का HCF 2 है, अब इस 2 को देखो, ये 2 है, ये 4 को भी डिवाइड करता है और 6 को भी डिवाइड करता है, जिन दो नंबर्स का ये HCF है, ये उन दोनों को डिवाइड करता है, तो मैं कह सकता हूँ 2 divides 4 and 2 divides 6, तो याद रखो, जो HCF होता है, वो डिवाइड करता है उन्हीं नंबर्स को जिनका वो HCF होता है, ठीक है। तो जब भी कभी वर्ड आए डिवाइड्स, तो डिवाइड्स का मतलब होता है कि HCF निकालो, ठीक है। अच्छा, LCM को देखते हैं, LCM क्या है, LCM कितना है 12। अब जो ये LCM है, जरा देखो, ये LCM किसका है, 4 का है और 6 का है, हाँ, तो LCM 4 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है, तो LCM जो भी होता है वो उन नंबर से डिविजिबल होता है जिनका वो LCM होता है। अब जैसे 12, फिर बोल रहा हूँ, 12 जो LCM है वो उन दोनों नंबर से डिविजिबल है जिनका ये LCM है, तो ये LCM किसका है, 4 का और 6 का, तो ये डिविजिबल है 4 से और ये डिविजिबल है 6 से, तो डिवाइड की जगह पे अगर डिविजिबल आ जाए तो समझ लेना कि LCM निकालना है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने आपको, अगर डिवाइड आ जाए तो HCF निकालो, अगर डिविजिबल बाय आ जाए तो LCM निकालो। तो इस क्वेश्चन में आपको 24 और 60 का HCF निकालना है, क्योंकि वो कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर विच डिवाइड्स 24 एंड 60, तो डिवाइड मींस HCF, तो 24 और 60 का HCF क्या होगा, तो इसको जैसे मर्जी करो आप, 60 24 टू जा 48, नीचे 12 और फिर 24 और फिर टू जा 24 0, तो इक्वल डिवीजन लेमा से हमने किया और HCF कितना आया 12, फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर। फाइंड द इंटीजर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, फाइंड द इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय 15 एंड 25, देखा आपने डिविजिबल बाय आ गया, अब आपको कैसे पता लगेगा LCM है या HCF है, तो डिविजिबल बाय जो वर्ड है ये बता रहा है HCF है, तो यहां पे हमें कैसे पता लगा कि HCF है, डिवाइड बता रहा है कि HCF है, तो डिवाइड जब आए तो HCF निकालो, डिविजिबल बाय आए तो LCM निकालो। अब 15 और 25 का LCM निकालना है, 15 25, अब ये किससे गया, ये गया 5 से, 3 और 5, बस इतना ही छोड़ दो, 5 6 जा 15, 15 5 जा 75, 75 इज द LCM, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अब हमें इस क्वेश्चन में HCF निकालना है A और B का, और A और B जो नंबर हैं उनमें फैक्टर्स दिए हुए हैं और उनकी पावर दी हुई है। जब भी कभी हमारे पास जो नंबर्स हों और उन नंबर्स की पावर हो, तो हम क्या करते हैं, तो हमने क्या करना है, देखो अब सबसे पहले इनके साथ जो नंबर हैं आप उनका तो HCF निकाल लो, जैसे कि 12 और 16 दोनों का HCF निकालो। अब 12 और 16 का HCF क्या हो गया, तो 16 को डिवाइड करो 12 से, इक्वल डिवीजन लेमा से जल्दी निकल आएगा, तो 12 वन जा 12 और ये 4 और फिर 12 और ये 3 और 0, तो HCF कितना हुआ 4,
तो एचसीएफ नंबर्स का हो गया 4। अब देखते हैं उनके साथ जो फैक्टर हैं और उनकी जो पावर है। तो याद रखो, जब जब फैक्टर्स की पावर होती है तो एचसीएफ में हमेशा वही फैक्टर आते हैं जो दोनों तरफ होते हैं, जो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। तो कौन से फैक्टर हैं जो इधर भी हैं और इधर भी हैं? x इधर भी है, x इधर भी है, y इधर भी है, y इधर भी है। तो दोनों HCF में आएंगे और उनकी छोटी पावर आएगी। तो HCF में वो फैक्टर आते हैं जो दोनों में होते हैं और उनकी छोटी पावर। तो x आएगा और y आएगा, दोनों आएंगे। तो x की छोटी पावर कितनी है? x की यहाँ पे पावर है 5 और यहाँ पे पावर है 2, तो छोटी पावर है 2, x की पावर 2। y की यहाँ पावर कितनी है? 2, और यहाँ कितनी है? 3, तो y की छोटी पावर होगी 2। तो हमारा कौन सा पार्ट सही हुआ? सेकंड। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 16। अब इसमें कहा गया है फाइंड एलसीएम ऑफ एक्स वाई। अब हमें एक्स वाई का एलसीएम निकालना है। अब एक्स वाई क्या है? एक्स ये है और वाई ये है। तो एलसीएम में क्या आता है? देखो यहाँ भी फैक्टर्स हैं, तो एलसीएम में क्या आता है? एलसीएम में सारे फैक्टर्स आते हैं। याद रखो, एलसीएम में सारे फैक्टर्स आते हैं, मगर जो फैक्टर दोनों तरफ होते हैं उनकी बड़ी पावर आती है। ठीक है, तो जो फैक्टर दोनों में होते हैं उनकी बड़ी पावर आती है और सारे आते हैं। क्या मतलब? जैसे यहाँ 2 की पावर कितनी है? 3। यहाँ 2 की पावर कितनी है? 2। तो दोनों में है, इधर भी है, इधर भी है, बड़ी पावर ले लो 2 की पावर 3। और देखो 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3, तो बड़ी कितनी पावर है? 3, तो 3 की पावर 3। 5 की पावर 2 और यहाँ तो 5 है नहीं, मगर ले लो, एलसीएम में मैंने कहा था सब लेने हैं, तो इनटू 5 की पावर 2 लेना है। तो ये कितना हुआ? ये हुआ 8 × 27 × 25। ये हुआ 27 × 8 × 25, 200, और ये हो गया 5400। थर्ड पार्ट हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। नंबर ये जो दिया हुआ है कहता है इसके बारे में बताओ, ये रैशनल है क्या, ये इरेशनल है, ये दोनों है, या आपको कुछ नहीं पता? तो देखते हैं ये क्या है, इसे सिंपलीफाई करते हैं। 3 − √3/3 + √3, इसे करो रैशनलाइज। 3 − √3 से मल्टीप्लाई, 3 − √3 से डिवाइड। अब ये कितना हो गया? ऊपर हो गया 3 − √3 का होल स्क्वायर और नीचे हो गया a + b a − b। ये हो जाएगा a² − b² मतलब √3 का स्क्वायर। तो ये कितना हुआ? ये हुआ, पहले ऊपर वाले का होल स्क्वायर खोलो, 3² कितना हो गया? 9 प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3 माइनस 2ab, तो 2 मतलब इंटू 3 6 हो गया, इंटू √3, ये हो जाएगा 6√3। मैंने आइडेंटिटी लगाई और होल स्क्वायर खोल दिया और नीचे 3² 9 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और ऊपर कितना आया? ऊपर आया इट इज 12 − 6√3/6। अब 6 दोनों के नीचे लेके जाओ, 12 के नीचे 6 कितना हुआ? 2 माइनस 6√3 के नीचे 6 कितना हुआ? कट गया, कितना रहा? √3, ये नंबर बचा। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या किया? तो मैंने क्या किया है, 6 कॉमन ले लिया, समझो ऐसे सोचो 2 − √3 और नीचे 6 और ये कैंसिल कर दिया, तो कितना आया? 2 − √3। अब आप बताओ ये रैशनल है क्या? नहीं, क्योंकि ये इरैशनल है। तो ये इरैशनल है क्या? यस, क्योंकि इरैशनल नंबर के साथ कोई भी नंबर प्लस में माइनस में हो तो हम उसे इरैशनल ही कहते हैं। तो ये है इरैशनल नंबर। अब मिलते हैं अगली बार एक और नए चैप्टर के साथ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सकें।